के चेयरमैन गौतम अडानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बार इंडेक्स पावर MSCI ने अडानी ग्रुप के 4 शेयरों के फ्री फ्लोट स्टेट में कटौती कर दी है। एनालिस्ट का कहना है कि इससे इंडेक्स में उनका वेटेज कम हो सकता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक MSCI ने एक बयान में कहा है कि उसने अडानी ग्रुप के फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन और ACC के फ्री फ्लोट स्टेट को कम कर दिया है। ये बदलाव 1 मार्च से लागू होगा। MSCI के इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इन 4 कंपनियों का कंबाइंड वेटेज 0.4% था। बाकी कंपनियों के फ्री फ्लोट स्टेट में कोई कमी नहीं की गई है। फ्री फ्लोट किसी भी सिक्योरिटी का वो हिस्सा होता है जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए खरीद फरोख्त के लिए उपलब्ध होता है। आपको बता दें कि अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि अडानी ग्रुप शेयरों के हेराफेरी में शामिल रहा है। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों का खंडन किया है, लेकिन इस रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप की कंपनियों में भारी गिरावट आई है। ग्रुप का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर से नीचे आ चुका है। गौतम अडानी भी दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में 3rd से 21वें नंबर पर खिसक चुके हैं। गुरुवार को अडानी ग्रुप के 10 में से 9 कंपनियों के शेयर में गिरावट आई है। अडानी ग्रुप ने तत्काल इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इसको लेकर MSCI ने कहा था कि कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट ने अडानी ग्रुप के शेयरों को कुछ इंडेक्स में शामिल किए जाने के औचित्य पर सवाल उठाए हैं और उनके फ्री फ्लोट स्टेट की समीक्षा की जाएगी। अडानी ग्रुप की 8 कंपनियां MSCI इंडेक्स में शामिल हैं। अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर, अंबुजा और ACC MSCI इंडिया इंडेक्स का हिस्सा है। आपको बता दें कि किसी भी लिस्टेड कंपनी के लिए ये सुनिश्चित करना होता है कि उसकी कम से कम 25% शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास होना चाहिए।